प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंडस पर इंफॉर्मेशन। मैं हूँ सरमद, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लाया हूँ लबड की पेयरिंग के बारे में। जैसे कि अभी अगस्त में सीज़न आने वाला है लबड वगैरह का, तो उनकी सीज़न मतलब ब्रीडिंग के बारे में। एक पेयर होते हैं जो ब्रीड करते हैं, मगर उनकी मेल या फीमेल एक्सपायर हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा कोई मेल या फीमेल पकड़ के उसके साथ छोड़ देते हैं। ऐसे पेयरिंग लगती है मगर काफ़ी देर से। जैसे कि आप यह देख सकते हैं मेरी पेयर, ये मैंने अभी नीचे रखे हुए जहाँ इंसान का आना जाना ज़्यादा हो, ये वहाँ पर जल्दी पेयरिंग अपनी बना लेते हैं। आपको जब भी पेयरिंग लगानी हो अपने ऐसी जगह पे रखें कि आपका आना जाना हो, सबका आना जाना हो, कि ये पेयरिंग अपनी जल्दी लगा लेंगे। और अभी अगस्त में इनका सीज़न आने वाला है, और ये मेरे पास वॉलेट डबल फैक्टर का मेल है, और ये फिशरी की फीमेल है, मगर इसके रिंकल्स और चेस्ट वगैरह देख सकते हैं, और हेल्दी भी है। मैंने इनका पेयर लगाया है, अभी इंशाल्लाह देखते हैं कौन सा रिज़ल्ट आता है। तो आगे मैं आपको पेयरिंग के बारे में बताऊंगा। जब भी अभी तो सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो पेयर लोग लगाना शुरू कर दिए होंगे, तो मेरा ये एक पेयर है, मैं इसको लगा रहा हूँ, और मैंने और भी किए हैं एक्सपेरिमेंट। देखता हूँ अगस्त में सीज़न है तो इनका क्या। पेयर लगाने की पहली टिप है कि इनको अपने साथ मतलब घर में रखे जहाँ आपका आना जाना, ये वहाँ पर अपनी जल्दी पेयरिंग बना लेंगे। और आपको अगर आपका कोई मेल या फीमेल एक्सपायर हो गया, तो उसके लिए भी ऐसे पेयर लगाएं। लोग क्या करते हैं, एक पिंजरे में मेल दूसरे में फीमेल करके छोड़ देते, तो वो काफ़ी महीने लगाती है। फिर आप सोचते हैं इस मेल ने तो इतनी ब्रीड की थी, अभी इसके साथ लग क्यों नहीं रहा और ब्रीड क्यों नहीं कर रहा। बात मेल फीमेल की नहीं, बात है लगने की, पेयरिंग की। वो नीचे रखेंगे तो पेयरिंग उनकी ज़्यादा लगेगी। तो आज की वीडियो बस इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।